चतरा जिले का घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र का देवकीटांड आजादी के 7 दशक बाद भी विकास की बाट जोह रहा है। सरकारी उदासीनता के कारण आज तक गांव में पुल और सड़क नहीं बन पाया है। देखिए क्या हालात हैं। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। हाथ तो बढ़ते हैं, सड़क किसी तरह से बनती है, पर हर साल ये कच्ची सड़क बह जाती है और अपने साथ गांव की तकदीर भी बहा कर ले जाती है। सिमरिया प्रखंड के देवकी टांड गांव का हाल, गांव को आज तक है एक अदद सड़क का इंतजार। बरसात में टापू बन जाता है गांव। हर बार ग्रामीण करते हैं वोट बहिष्कार, हर बार मिलते हैं लोक लुभावन वादे, पर हर बार सड़क देना भूल जाते हैं नेता। सिमरिया प्रखंड मुख्यालय इस गांव से 10 किलोमीटर दूर है, पर इस दूरी को पाटने वाली जो सड़क है वो प्रखंड मुख्यालय को युगों युगों दूर करते हुए इस गांव को टापू युग में धकेल देता है। पंचायत स्तरीय ग्राम सभा में फैसला हुआ कि यहां पीसीसी सड़क बने, पर आज तक किसी नेता की नजरें इनायत ही नहीं हुई। चुनाव के दौरान वादे हुए, पर चुनाव के बाद वादे टूटे भी। नतीजा, जिंदगी आज भी विकास के आस में कट रही है। सो मुख्य सड़क जाने के लिए इन लोगों को जो है सो बहुत दिक्कत होता है, यहाँ तक कि पैदल जाना भी मुश्किल होता है, जैसे कि आप देखे होंगे। और यहाँ पर जो है सो अपने श्रमदान से लोग घर में चंदा वगैरह करके, चावल वगैरह बेच करके जो है श्रमदान करके अपना रोड बनाए हैं। और इस तरह यहाँ पर वोट आता है तब सारे लोग आते हैं, जनप्रतिनिधि लोग आते हैं, लेकिन वादा बड़े बड़े करके चले जाते हैं। मैंने अपन चंदा करके और हमने अथे रोड बनवा दिए, घर घर चंदा मिला के, तो अथे सरकारें है तो का सरकार कौन चेहमिन के कर देवे थे। नदी ढोढ़ा बना दला है तो जावे पार होवे ले बिना होबो है, कोई नहीं अथी गत्थी नेने पार होवे ने ऊ पार होवे ने चंगा छवा वो बह दे जा है नदी ढोढ़ा ने। डकीटान के इतना खराब रास्ता हो गला है ऐसी, अब डिलीवरी को है तो ओकरा कैसे दिक्कत से लगते, कितना परेशानी से लगता है, बाल बच्चा तबियत खराब हो जाए सब वही। अब बेटा बेटी सयान भेल है तो ये गांव ने कोई आए रिश्ता कर है ना खोजे, नदी ढोढ़ा बना ले तो कौन गांव ने, वो गांव में कैसे जाते आदमी। इस गांव में अब तो ना बाराती आती है ना यहां से बाराती जाती है। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आश्वासन दिया है कि मामला अब उनके संज्ञान में आ गया है और बहुत जल्द ये तस्वीर बदलेगी। लिखित शिकायत है ना मौखिक शिकायत है, फिर भी बातें संज्ञान में आ जाया है तो इस पर अगर सड़क नहीं होगा तो सड़क भी बनेगा, पुल नहीं होगा तो पुल भी बनेगा, वहाँ स्कूल भी नहीं होगा तो स्कूल भी बनेगा। मूलभूत पहला लक्ष्य रखे हैं कि जिस गांव में आज तक आज़ादी के 74 बरस बीत जाने बाद भी काम नहीं हुआ, वैसे गांवों को चिन्हित करिए और जो विकास से वंचित है, सड़क नहीं है, पुल नहीं है, स्कूल नहीं है, हेल्थ सेंटर नहीं है, उन सब गाँवों को फोकस करना है। आक्रोश तो है पर उम्मीद भी है, हम भी चाहते हैं कि तस्वीर बदले। देखना है ये बदलाव आता कब तक है। चतरा से न्यूज 11 भारत के लिए संजय की रिपोर्ट।